हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में साइंस का सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 36 में दो पार्ट्स थे आपके, मतलब एक ऑप्शनल दिया हुआ था तो उसके पहले एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था, 5 मार्कर क्वेश्चन था। तो 36 के ऑप्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जो क्वेश्चन आया वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, ये भी 5 मार्कर है, जिन बच्चों को साइंस सैंपल पेपर का पूरा सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन चेक करिए, पिंड कॉमेंट जो होगा सबसे ऊपर आ रहा होगा, वहाँ रीड मोर पर क्लिक करोगे ना तो आपको ऊपर सैंपल पेपर का बच्चों पूरा लिंक मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन का मतलब वीडियोज फॉर्म में सोल्यूशन आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा और वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं अपना, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर मैथ्स का स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है वो अगर आपको चाहिए वीडियोस के फॉर्म में, वो भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको पूरा सिलेबस आपका क्लास 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बच्चों एनसीईआरटी एग्जामिनर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे जरूर लगाइएगा, ठीक है, उसको भी कमेंट करके मैंने पिन कर दिया, तो सब कुछ नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियोस देखने में 7503644171 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन में बोलता है बच्चों, 36 में कह रहे कि पी क्यू इज अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, प्लेन ऑफ द पेपर, देखो ये प्लेन ऑफ द पेपर है आपका, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा प्लेन ऑफ द पेपर है। तो इस प्लेन ऑफ द पेपर में ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, मतलब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप एग्जाम में ऐसे बैठे हो तो ये आपका प्लेन ऑफ द पेपर है ना, तो ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ध्यान दो, ठीक। अब आपको राइट हैंड थंब रूल पता है, राइट हैंड थंब रूल में क्या होता था याद करिए, राइट हैंड थंब रूल में हम लोग राइट हैंड का थंब कंडक्टर में जिधर करंट जा रहा होता था उधर रखते थे, और ये जो 4 उंगलियां आपकी बची हैं 4 फिंगर्स, इनको हम रैप करते थे, ठीक है, ऐसा कर्ल करते थे। तो जब इन उंगलियों को हम ऐसा रैप करते थे, मतलब वायर को रैप कर लेते थे, तो ये फिंगर्स की डायरेक्शन जिधर आ रही है वही क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, ठीक है ना। ओके, तो यही बात बोली, पी क्यू इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये एक आपको फिगर दिया बच्चों, इसमें करंट कहां से कहां जा रहा है, देखिए टॉप और ये हो गया आपका बॉटम, बॉटम टू टॉप जा रहा है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है, ठीक है। और यही जो व्हाइट बोर्ड है इसको आप मान लीजिए प्लेन ऑफ द पेपर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट एट पॉइंट्स आर एंड एस। हाँ भाई ध्यान दे रहा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय इट एट पॉइंट आर एंड एस। हाँ बच्चों ध्यान से चेक करिए, पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी और पॉइंट आर पे, पॉइंट आर पे कहाँ होगी और पॉइंट एस पे, करेक्ट। तो बहुत ही ईजी है ये, तो क्या करेंगे, राइट हैंड अपना लेंगे और थंब कहाँ रखें, करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये वायर है ना ऐसा प्लेन ऑफ द पेपर में, ये करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर ऐसा थंब रखा, ऐसे करेंगे तो ध्यान से चेक करिए आर पे, पॉइंट आर पे करंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर, ये आपकी फिंगर प्लेन में घुस जा रही है, ऐसे घुस के ध्यान चेक करो, ये वायर है आपका, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन दिख रहा होगा आपको ज़्यादा अच्छा, वाइट पे नहीं दिख रहा होगा, वाइट, तो ये देखिए, ये ऐसे देखिए, यहाँ से उंगलियाँ ऐसे अंदर जाएंगी और पीछे से ऐसे निकल के वापस आएंगी, ये ऐसा प्लेन में ऐसे घुस जाएंगी और पीछे से ऐसे निकल के आएंगी, मतलब यहाँ पे जो प्लेन वाला पार्ट है ऐसे निकल के आएंगी। तो आर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बताइए, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर, और इनटू द प्लेन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्रॉस, ये पढ़ाया आपको क्लास में, क्रॉस का मतलब कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के अंदर है, तो पॉइंट आर पे कैसी है, प्लेन के अंदर, और पॉइंट आर, पॉइंट एस पे कैसी होगी, ध्यान से चेक करिए, पॉइंट एस पे, ठीक, ये ऐसा, तो यहाँ एस से बाहर फिंगर्स आपकी निकलते हुए आपको महसूस होंगी, निकलते हुए नजर आएंगी, तो पॉइंट एस में हम लोग डॉट लगा देंगे, ठीक है ना, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर है, ये क्लास में आपको बताया हुआ है। तो इस चीज़ को एग्जाम में लिखेंगे कैसे, देखिए जरा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एट पॉइंट आर एंड आउट ऑफ इट एट पॉइंट एस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता था, ठीक है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से डिस्टेंस आर अगर हम ले लें, ध्यान से चेक करिए, क्लास में आपको पढ़ाया, जिनको नहीं पता देख लें, करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो आर डिस्टेंस पे कितनी होती है, इसका फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था क्या क्लास में, ध्यान से चेक करिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से दिखाते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है,
आई क्या है, करंट है जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। टू पाई क्या है, कांस्टेंट है। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो यहाँ पे म्यू नॉट और टू पाई ये कांस्टेंट है। म्यू नॉट की आपको टेंशन नहीं लेनी, परेशान मत हो। तो इतना पोर्शन आपका कांस्टेंट हो गया। तो जितना भी करंट यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट को अगर हम कांस्टेंट मान लें थोड़ी देर के लिए, मान लो 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर कुछ भी फ्लो कर रहा है, जो फ्लो कर रहा है वो वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो ध्यान से जरा, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, और करंट को भी अगर आप कांस्टेंट कर दो तो बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ध्यान से चेक करिए, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, आर से। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहाँ पे फाइंड करनी है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वायर, ओके। और पी क्या है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए। यानी कि ध्यान दें, सीधी सी बात है, देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इस वायर से जितना तुम दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, है ना, ठीक है। तो जितना दूर जाते जाओगे, यानी कि R का वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा, R इज व्हाट, R इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो R जितना बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना घटता जाएगा, याद करिए। तो R जितना बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना, B क्या है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, R क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो R जितना बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना घटता जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए, कह रहा है कि गिवन दैट आर वन इज ग्रेटर देन आर टू। यहाँ फिगर में देखिए आपको दिख भी रहा है, आर वन बड़ा है किससे, आर टू से। अब सुन लीजिए, R1 R2 से बड़ा है, R1 ज़्यादा है और R2 कम है, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होगी, जो पॉइंट इस कंडक्टर के पास होगा, जो पॉइंट इसके पास होगा, यानी कि जिसकी डिस्टेंस इस वायर से कम है, ठीक है ना, क्योंकि जितना दूर जाते होगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट कौन सा दूर है, आर। तो आर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और पॉइंट एस इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास है, इसके पास है, R1 बड़ा है, R2 छोटा है, तो पॉइंट S पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, यहाँ पर ज़्यादा, करेक्ट। तो यही हमसे पूछा है कि गिवन दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 R2 से बड़ा है, वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, कहाँ पे लार्जर होगी। तो जवाब है पॉइंट S पे लार्जर होगी, गिव रीजन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क तो आपको मिलेंगे कहाँ पे लार्जर होगी, और 1 मार्क मिलेंगे रीजन देने का, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए आंसर कैसे लिखेंगे, फील्ड एट पॉइंट एस इज ग्रेटर देन फील्ड एट पॉइंट आर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट एस पे ज़्यादा होगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉइंट आर से, ओके। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसीलिए हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ था, ये एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस आप वहाँ पे लिखेंगे, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा, ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट थ्री देखिए, कह रहा है कि इफ़ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड द वायर रिवर्स, हाउ वुड द डायरेक्शन फील्ड बी चेंज। सुनिए, इस वायर से कोई बैटरी कनेक्टेड होगी, ठीक है, अगर बैटरी की हम पोलैरिटी चेंज कर दें, पता है आपको कंडीशन क्या है, मतलब क्या स्थिति है यहाँ की, आइए दिखाते हैं हम आपको। देखिए अभी करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, कहाँ तक बच्चों, क्यू से पी तक, मतलब बॉटम टू टॉप फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी, आप अपने दिमाग में सोचिए, अगर हमने बैटरी लगाई होगी इस वायर में, सोचो ये देखो, ये ऐसे वायर आया यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ, ध्यान दें, देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा, क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, ठीक है। तो करंट ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो आपको ये वाला पोर्शन फिगर में दिखाया गया है, पी क्यू वाला, दिख रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ये करंट देखिए ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज तो तुम्हें यहाँ सामने से दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, ये क्लॉकवाइज तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। करंट की बात कर रहा हूँ, सुन लो, परेशान मत हो ना, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करूंगा। अब सुनो, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी बच्चों चेंज हो गई है, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक काम करना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करो, ये जो पी क्यू है, ये रखा तो आपकी कॉपी में, वायर कहाँ है, आपकी कॉपी में रखा, यही तो बोला गया है, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अब देखिए, एक प्लेन के बारे में सोचिए, जो प्लेन इस वायर पे परपेंडिकुलर होगा, बच्चों सुनिए, एक और प्लेन के बारे में, एक तो प्लेन कौन सा है, ये प्लेन जिसमें वायर रखा हुआ है, एक और प्लेन के बारे में सोचिए जो प्लेन इस वायर पे बच्चों परपेंडिकुलर होगा। तो आइए वो प्लेन हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास 2π क्लासेस का एक कार्ड है जिसको आपके लिए हम वेस्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा, इसमें हमने छेद किया यहाँ से ऐसे,
ठीक है। अब इस प्लेन को देखिए, दिख रहा है आपको, इस प्लेन को देखिए, ये जो प्लेन है ये वायर पे परपेंडिकुलर है, या वायर जो है हमारा करंट कैरिंग वायर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ध्यान से चेक करो यहां पे ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो दिस वायर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्या ऐसा कोई प्लेन है? तो जवाब है नहीं, नहीं ऐसा कोई प्लेन नहीं है, कि इमेजिनरी प्लेन है। ठीक, अब सुनिए, अभी करंट कहां से कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप जा रहा है, जब पोलैरिटी नहीं चेंज करी, भी करेंगे, रुक जाओ। तो थंब कहां रखोगे बताओ, नीचे से ऊपर। तो जब थंब ऐसा नीचे से ऊपर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएंगी, टॉप से देखो बच्चों, टॉप से। तो टॉप से देखोगे तो कैसा, सोचो, खुद सोचो, टॉप से देखोगे तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो फिंगर्स आ रही एंटी क्लॉकवाइज आ रही, चेक करो एंटी क्लॉकवाइज, समझते हो ना। टॉप से देखो घड़ी कैसे चलती, ऐसे क्लॉकवाइज, टॉप से सोचो, टॉप से देखो और सोचो कोई घड़ी ऐसे रखी हुई है, कोई क्लॉक रखी हुई है, क्लॉक तो ऐसे ऐसे चलती है लेकिन मेरी फिंगर तो ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ये ऐसा। तो अगर हम आपको बना के दिखाएं तो कुछ ऐसी स्थिति होगी, इसी सिस्टम को हमने ऐसे उठा लिया, तो ये देखिए, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएंगी लाइंस, वो अभी कैसी हैं, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर शेप की होंगी, और कैसी बन के आएंगी, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है सभी बच्चों को, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज आपको कहां दिखाई पड़नी, उस प्लेन में जो प्लेन इस वायर के परपेंडिकुलर है, या उस प्लेन में जिस प्लेन पे ये वायर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सुनो, इसकी जरा पोलैरिटी चेंज कर दो बैटरी की, और जरा पोलैरिटी चेंज करो। जब आप पोलैरिटी चेंज करोगे तो क्या होगा, सोचो जरा, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, करेक्ट। ये यहां देखिए बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने का मतलब समझते हैं आप लोग, जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव हो जाएगा, जिधर नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव। अब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे, ठीक। तो करंट देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है, अब पॉइंट पी से कहां फ्लो कर रहा है करंट, क्यू की तरफ, ठीक है ना। मतलब हमारी कॉपी में जब हम देखेंगे इस वायर को, तब टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा करंट, ठीक। अब टॉप टू बॉटम अगर फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये पहली कंडीशन थी, ठीक है, जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रही थी। अब देखिए हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब पेन, ये देखिए अभी नीचे से ऊपर है, अब हम पेन को ऊपर से नीचे कर रहे हैं, अब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, सही है। अब जब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो थंब आप कहां रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, और अपनी फिंगर्स को रैप कर लो, अपनी फिंगर्स में स्वायर को रैप कर लोगे ऐसे। जब रैप करोगे तो ध्यान से चेक करो, ऊपर से चेक करो, अब क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही, क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में और फिंगर से अब वायर को रैप कर लो, ठीक है। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में आ रही होंगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब कैसी दिखाई पड़ेगी, तो हम आपको यहां पे बना के दिखाते हैं। अब जो स्थिति होगी, अगर मेरा ब्लू मार्कर चल गया तो मैं उसी से बना के आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, अब यहाँ जगह नहीं बच पा रही है थोड़ी सी, वरना पूरा हम सर्कल आपको बना के दिखा देते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हैं। कौन से प्लेन में क्लॉकवाइज है, उस प्लेन में क्लॉकवाइज है जो प्लेन इस वायर पे परपेंडिकुलर है, या फिर ये वायर जिस प्लेन पे परपेंडिकुलर है उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब कैसी हैं, क्लॉकवाइज। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताइए बच्चों, जब उन्होंने पोलैरिटी चेंज कर दी तो हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, हम एग्जाम में आंसर इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, पढ़िए जरा। द करेंट विल बी गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द शोन, ठीक है, इन द शोन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चों फिगर बना दीजिएगा, ठीक है, एक फिगर बना दीजिएगा, और फिगर में आप बोल दीजिएगा कि भाई पॉइंट पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, ठीक है। और इस शोन फिगर में अब करेंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, टॉप टू बॉटम, यही बात हमने लिखी हुई। The current will be going from top to bottom in the shown figure and the magnetic field lines are now in clockwise direction. ध्यान से सुनिए, अब magnetic field lines, blue marker से देखिए, अब magnetic field lines क्या होंगी, clockwise होंगी, पढ़िए जरा। Now the magnetic field lines are now in clockwise direction. कौन से प्लेन में, ऑन द प्लेन, कौन सा प्लेन, ऑन द प्लेन, ये वाला प्लेन, और ये वाला प्लेन इज वॉट, विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर कैरिंग करंट, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, वायर के, कौन से वायर के, जो करंट कैरी कर रहा है, जिस वायर में करंट जा रहा है। कोई डाउट है बताइए, बहुत इजी था, कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पलर में भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए, इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। वन मार्कर बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से क्या करते हैं,
राइट हैंड का अपना थंब करंट की डायरेक्शन रखते हैं और फिंगर्स को रैप करते हैं अराउंड द वायर। तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप होती हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आपकी बुक में कोई डेफिनेशन लिखी हो उसको लिख सकते हो, एनसीईआरटी से लिख सकते हो, आप जहाँ से लिखना हो लिख सकते हो, ये लिखना हो ये लिख सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो। तो हेडिंग लगाएंगे इसमें राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद बताएंगे द थंब अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब को कहाँ रखना है, थंब को अलाइन करना है कहाँ, डायरेक्शन ऑफ द व्हाट करंट में। एंड द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर रैप्ड अराउंड द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर रैप हो जाती हैं, रैप मतलब ऐसे मुड़ जाती हैं चार के तार के चारों तरफ, तो ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है ये आपको क्या बताएगा, रैप फिंगर की डायरेक्शन अराउंड द वायर, अराउंड द वायर मतलब वायर के चारों तरफ, ये आपको देंगी किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये सैम्पल पेपर बच्चों कवर हुआ। कोई अगर आपके सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।